आज की वीडियो में हम करने वाले हैं माइनक्राफ्ट का हार्डकोर चैलेंज, वो भी नेदर ओनली वर्ल्ड में, जहां पर ना ही सोने के लिए बेड होगा और हर वक्त मौत का खतरा, जहां पर आपकी एक गलती और आपका हार्डकोर चैलेंज खत्म। तो देखते हैं क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं माइनक्राफ्ट हार्डकोर मैं 100 डेज नेदर ओनली वर्ल्ड में, और क्या हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम स्पॉन हो चुके हैं क्रिम्सन फॉरेस्ट वाली बायोम में, और अभी अपना सबसे पहला काम है वुड तोड़कर क्राफ्टिंग टेबल बनाना और कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स बनाना। तो चलो वुड तोड़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास बहुत सारी वुड कलेक्ट हो गई है, तो चलो क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं। ये बन गया क्राफ्टिंग टेबल, अब बनाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स। ये बन गई स्टिक, अब बनाते हैं पिकेक्स, और ये बन गई कुलाड़ी। तो दोस्तों अब अपने पास नॉर्मल टूल्स है, तो फिर से थोड़ी लकड़ियां तोड़ते हैं। दोस्तों यहां पर बीच में मैंने गलती से लावा पर पांव रख दिया और मुझे लगा मेरा चैलेंज खत्म हो गया, पर भगवान की दया से मैं बच गया। अब दोस्तों अपना काम है नेदर फोर्ट्रेस ढूंढना और अपने आप के लिए कुछ सामान ढूंढना, तो चलो काम पर लग जाते हैं। दोस्तों घूमते घूमते में एक अलग ही जगह आ गया था, और यहाँ पर मुझे एक चेस्ट वाली जगह मिल गई थी जहां पर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट सामान मिल सकता था। तो ये चेस्ट खोलते हैं। अरे वाह, इसमें तो सोने की कुलाड़ी है और सोने की चेस्ट प्लेट है और एक गोल्डन हेलमेट है। वाह क्या लूट मिली है दोस्तों। वैसे तो सोने की चीज कुछ काम की नहीं होती, पर फिलहाल के लिए तो हर चीज अच्छी है, तो ये चीज पहन लेते हैं। चलो दोस्तों अब आगे बढ़कर नेदर फोर्ट्रेस ढूंढते हैं। तो दोस्तों मैं यहां पर एक अलग ही जगह पर आ गया हूं, तो दोस्तों चलो आगे चलते हैं। अरे वाह, फाइनली दोस्तों यहां पर हमें नेदर फोर्ट्रेस मिल गई है। नेदर फोर्ट्रेस जहां पर स्टीव को बहुत सारी लूट तो मिल सकती है, पर यहां पर हमेशा मौत का खतरा है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, जैसे कि ब्लेज। ये मुंह से आग छोड़ते हैं और इनकी गठी इतनी होती है कि ये किसकी भी जान ले सकते हैं। ब्लैक स्केलेटन, ये अगर किस पर वार कर ले तो उसकी मौत कब होगी उसे पता भी नहीं चलेगा। क्या ऐसी खतरनाक जगह स्टीव टिक सकता है, क्योंकि ये है माइनक्राफ्ट हार्डकोर एक्सेल। दोस्तों चलो अंदर चलते हैं, पहले तो मुझे ये दीवार तोड़नी होगी। टूट जा फटाफट। चलो दोस्तों अब अंदर चलकर माल लूटते हैं, पर दोस्तों अंदर मौत का भी बहुत खतरा है। अगर अंदर एक चेस्ट मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अरे क्या बात है, चेस्ट मिल गई है दोस्तों, कोई झोंबी तो नहीं है आसपास। चलो देखते हैं, इस चेस्ट में तो आयरन ओर है जिसे अपन कुछ टूल्स बना सकते हैं। चलो अब और ढूंढते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अरे वाह, पर और चेस्ट है, इसमें क्या है। इसमें तो दो तलवार है दोस्तों, वो भी सोने की, ये बहुत काम आएगी। चलो आगे चलते हैं, और कुछ मिलता है कि नहीं। अरे एक और चेस्ट, इसमें क्या है। अरे ये हुई ना लूट, डायमंड मिल गए दोस्तों। अब 50% चैलेंज इजी हो गया है। तो और ढूंढते हैं क्या मिलता है। अरे वाह एक और चेस्ट, चलो फटाफट। इसमें क्या है, गोल्ड है, ये भी अच्छा है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये फोर्ट्रेस में तो बहुत अच्छी खासी लूट मिली है, लगभग तो हम तैयार हैं सरवाइव करने के लिए। अरे वाह यहां पर एक और चेस्ट है, इसमें भी गोल्ड है। चलो अब हम तैयार हैं दोस्तों ये चैलेंज खत्म करने के लिए। दोस्तों मुझे यहां पर फिर से वो जगह मिल गई थी जहां पर चेस्ट मिलती है, तो देखते हैं ऐसा अंदर क्या है। इसके अंदर गोल्डन वाटरमेलन है और आयरन का सामान है। ये लूट इतनी खास नहीं, पर ठीक ठाक है। दोस्तों मैं यहां पर इनसे ट्रेंड करा था, इन लोगों ने मुझे बहुत सारा सामान दिया जो मेरे काम आ सके। अब दोस्तों मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ ढूंढना होगा। दोस्तों यहां पर मैं इनको शिकार करते देखता हूं, और मैं भी इनके साथ इस जानवर को मारने में लग जाता हूं। इसे मेरा खाने का इंतजाम हो सकता है। नेदर के ये जानवर, नेदर पिग, जिनसे स्टीव को बहुत ज्यादा प्रोटीन मिल सकता है और उसे सरवाइव करने में हेल्प कर सकता है। अब दोस्तों मुझे सामान रखने के लिए एक छोटा शेल्टर बनाना होगा। तो दोस्तों मैंने रहने के लिए यहाँ पर एक छोटा घर बनाया है। तो ये है वो घर, आपको अंदर से बताता हूँ दोस्तों। तो ये है अंदर का लुक, छोटा है दोस्तों, पर फिलहाल सामान रखने के लिए काफी है, आगे और बड़ा बनाएंगे। दोस्तों एक सेकंड वीडियो को पॉज करके लाइक कर दो वीडियो को, भली सब्सक्राइब मत करो पर एक लाइक तो बनता है यार। तो अब अपना काम है नेदर राइट का आरंभर बनाना। उसके लिए मुझे नेदर राइट चाहिए, तो चलते हैं माइनिंग करने के लिए।
तो दोस्तों मैं यहाँ पर लावा पूल के पास आया हूँ ताकि मुझे नेदर राइट मिल सके। तो चलो दोस्तों माइनिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि भगवान और किस्मत हमारा साथ देती है या नहीं। नेदर राइट जिसको ढूंढने के लिए स्टीव को बहुत नीचे जाना होगा, और अगर स्टीव को नेदर राइट मिल जाता है तो ये बहुत ही बड़ी तरक्की होगी। दोस्तों बहुत ही निराशा के साथ बोलना पड़ा है कि मुझे कुछ नहीं मिला, खाली हाथ घर लौटकर भूरा लग रहा है। पर दोस्तों कोई चारा नहीं है, देखते हैं कल कुछ मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों आज हम फिर से जा रहे हैं माइनिंग करने, और आज जब तक मुझे कुछ मिलेगा नहीं तब तक मैं घर वापस नहीं लौटूंगा। तो दोस्तों माइनिंग स्टार्ट करते हैं। वो मजा आ गया दोस्तों, आज पहला नेदर राइट मिल गया। अब और माइनिंग करते हैं। एक और मिल गया दोस्तों, ये बात, एक और मिल गया। आज भगवान बहुत साथ दे रहे हैं। एक और मिल गया, इतने काफी है दोस्तों। अब हमने दे राइट का आर्मर बनाना है। सच बता रहा हूं दोस्तों, मुझे इतनी खुशी हो रही है। जब आप मेहनत करो और उसका फल मीठा हो तो उसको अलग ही मजा होता है। तो दोस्तों ये है मेरा फाइनल लुक, मैंने अपने आप को पूरा नेदर राइट में कर दिया है। दोस्तों अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी तो मैं तो तैयार हूँ पर मेरे पास घर नहीं है। तो दोस्तों अब अपना काम है एक बंगला बनाना, क्योंकि इंसान कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए आखिर में उसे अपने घर ही आना पड़ता है। तो दोस्तों अब हमारा काम है एक घर बनाना होगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने फाइनली पूरा घर बना लिया है, क्या आप देखना चाहोगे? ये है दोस्तों अपना घर। दोस्तों मैं बहुत अच्छा घर बना सकता था पर नेदर में सामान बहुत कम मिलता है इसलिए ऐसा बनाया है। चलो आपको अंदर से बताता हूँ। ये है दोस्तों अंदर का लुक, इसमें और भी चीजें ऐड होगी पर फिलहाल के हिसाब से बढ़िया है। और आपको बताता ऊपर भी मैंने बनाया है, तो ये है ऊपर का लुक। दोस्तों ये भी अच्छा है और बड़ा है, या पर मैं और भी चीजें ऐड करूंगा और इससे भी बढ़िया बनाऊंगा। तो दोस्तों या पर मैंने बालकनी भी बनाई है, ये इतनी खास तो नहीं पर ठीक ठाक है। और दोस्तों अब अपन लोग तैयार है, तो अब हमारा अगला टास्क है विदर को हराना, वार्डन को हराना और एंडर ड्रैगन को हराना। तो दोस्तों स्टीव ने 100 डेज का चैलेंज तो कंप्लीट कर दिया है, पर अब उसको सामना करना होगा कहीं खतरनाक बोसों का, जो कि स्टीव का हार्डकोर चलेंगे खत्म कर सकते हैं। क्या स्टीव आगे स्टीव सरवाइव करके बन पाएगा एक अच्छा सर्वाइवल लिस्ट, क्योंकि ये है माइनक्राफ्ट हार्डकोर XL।